जी अल्लाह के नाम से जनाब अपनी बात का आगाज करता हूँ। कहाँ है वो शहजादे जिनके पास असाइलम के बाद जिनको असाइलम की तरफ से जनाब आदियाद अमोनिस दिया गया था। अच्छा, असाइलम सर्विस यूनान ने इस बात का ऐलान किया है, एक प्रेस रिलीज दो तीन दिन कबल सामने आई। उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि असाइलम सर्विस से जिनको फैसला जारी हुआ और फैसला में आदियाद अमोनिस जिनको मिला, उन अफराद को कहा जाता है कि अगर आपका 30/6/2021 को आदियाद अमोनिस खत्म हो रहा है, सिर्फ असाइलम वालों के बारे में कह रहा हूं, सिर्फ असाइलम यानी कि सियासी स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले से, दूसरा अदापरवानी जो है वो अलहदा एक चैप्टर है, ठीक है। ये सियासी स्टेट के हवाले से जिनको फैसले में आदियाद अमोनिस मिला, उनको वो कहते हैं कि अगर आपका आदिया लीगल परमिट जो है वो 30/6 तक खत्म हो रहा है 2021 यानी कि अब से दो तीन माह बाद, तो वो कहते हैं कि अप्रैल के आखिर तक आप अपनी ईमेल रिन्यू के लिए भेज दें। अभी से जो है उनका कहना है कि 30/6/2021 को खत्म हो रहे हैं वो 30/4 यानी कि 30 अप्रैल को अपनी मेल भेज दें, ठीक है। इस मेल को मैं दोहरा देता हूं लेकिन लिख देंगे ताकि ये मेल्स, ऐसा मामला होता है ना जिसमें एक लफ्ज आगे पीछे हो गया तो एड्रेस खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसे गास रेजिडेंस परमिट एट migration.gov.gr पर वो कहते हैं कि अपनी एप्लीकेशन भेजें। अच्छा, वो तो साथी जो अक्सर बेशतर कंप्यूटर पर अपना कुछ करते रहते हैं या उसको जानते हैं, स्किल रखते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन अक्सर बेशतर ऐसा है कि अगर आपको ये यकीन नहीं कि आप दुरुस्त मेल भेज सकते हैं तो किसी वकील का थोड़ा सा साथ ले लीजिए ताकि यकीनी हो कि आपकी मेल जो है दुरुस्त एड्रेस पर दुरुस्त वक्त पर पहुंच चुकी है। यह था जो असाइलम सर्विस की तरफ से मैंने आपकी हिदमत में पेश करना था। फिर दोबारा दोहराता हूं कि 30/6 तक खत्म होने वाले आदियाद अमोनिस जो है उनको जो है वो बराए मेहरबानी रिन्यू कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं कि चौथे माह की 30/4/2021 तक अपनी मेल भेज दें ताकि आपके कार्ड की रिन्यूअल के लिए तरतीब बनाई जा सके, ठीक है जनाब। अल्लाह के राखे, सलाम अलैकुम, फी अमानल्लाह।